साथियों, ये हमारी गाड़ी है, देखिए बर्फ पे चढ़ाई थी डॉक्टर ललित ने, और देखिए निकालिए, ये कुछ मजेदार था। ये बर्फ पे चलती हुई जा रही है, मजेदार एकदम, मौसम बहुत ही सुंदर। ऐसी लेंगे ना फिर, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज डे 5 है लेह लद्दाख टूर का और हम हैं लेह में, अभी निकल रहे हैं चेकआउट। आज का प्लान है नुब्रा वैली, जोजिला पास, खारदुंगला पास, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, खारदुंगला पास होते हुए नुब्रा वैली स्टे करेंगे और कल नुब्रा वैली से फिर पेंगंग लेक जाएंगे। तो अभी निकल रहे हैं, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है कुछ, किसी को सिर में दर्द या घबराहट है तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आए तो 24 घंटे यहाँ रुक लें, गर्म खाना बने, रुकने में ही फ़ायदा है। अभी आज ठीक लग रहा है, थोड़ा ORS पी लेते हैं, डिहाइड्रेटेड हैं सब। और फिर जो पीछे बंदा देख रहे हो, ये खाने का बहुत शौकीन है। अभी मैं ORS बना रहा हूँ, अभी ORS बना रहा है, लेकिन निकलते ही मतलब होटल से निकले देर नहीं होती कि खाना खा लेते हैं। अभी मतलब 11 बजे हैं और हम 10 बजे 9:30 उठे होंगे, अभी कह रहा है खाना खा लेते हैं। खाना खा के पेट पहले ही फूला हुआ है। यहाँ पे मॉर्निंग में आते ही ब्रंच करना बहुत जरूरी है, आते अगर ब्रंच नहीं कर रहे तो फिर लिक्विड इंटेक पूरा रखो। लिक्विड इंटेक रखो, लंच करना क्यों जरूरी है। डबल डिहाइड्रेशन, बर्फ पड़ गई भाई, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। बर्फ पड़ गई पहाड़ी पे, कल पड़ी है ना वो, जो एंजॉय ORS तो हमें नुब्रा वैली बर्फ मिलेगी, खाएगा बर्फ। यहाँ परमिट दिखाना होता है खारदुंगला के लिए, या नुब्रा वैली का हो या खारदुंगला का हो। ये 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में देख लेंगे, काफ़ी सारी बाइक आ रही है। अभी तक रोड अच्छा था, अब थोड़ा ऐसा रोड है पथरीला। एक्चुअली यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हो गई, यहाँ पोस्ट पेड ही चलते हैं और वो भी BSNL ही, ज़्यादातर जगह BSNL ही चलता है, कुछ जगह एयरटेल भी है पूरे जम्मू कश्मीर। तो हमारे पास उनमें से कोई नहीं है, BSNL है, प्रीपेड है, वोडाफोन है, वो पोस्टपेड है लेकिन वो चल नहीं रहा, एयरटेल है वो भी प्रीपेड है, यहाँ आके पोस्टपेड एयरटेल लिया लेकिन वो सिर्फ लेह में चला, कारगिल में चला, अब यहाँ आके वो भी नहीं चल रहा खारदुंगला जाते हुए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अभी हम चले हैं पेंगोंग के लिए खारदुंगला होते हुए, तो अभी घर बोल दिया है कि दो दिन तक शायद हमारा नेटवर्क नहीं रहेगा, एक प्रॉब्लम है यहाँ की। इस रोड पे लेह से, लेह के बाद कोई पंप नहीं है, तो लेह से हमने टैंक फुल करा लिया था, उसके बाद एक पुलिस चौकी पड़ी, वहाँ परमिट चेक कराया। ये हरियाणा 26 नंबर भी आ गई है नेटवर्क में, तो ये सब अपने यहाँ के लोग ही घूम रहे हैं। चलो दिखाते हैं आपको रास्ता कितना गंदा है। यहाँ फोटो खिंचाने के लिए मारामारी हो रही है, सबसे ऊंचा पास है ये खारदुंगला पास, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सब लोग लगे हुए हैं, मुझे खिंचाना है, मुझे खिंचाना है। इधर बर्फ भी पड़ी हुई है, ये नुब्रा वैली जा रहा है रास्ता, उधर से हम आए थे लेह से, बस अभी यहाँ ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है सांस में, तो थोड़ी देर में निकलेंगे।
इट्स लाइक एन अचीवमेंट टू ड्राइव कार ऑन हाईएस्ट मोटरेबल रोड. वैसा कुछ था नहीं, इससे ज़्यादा खतरनाक तो जोजिला पास था. थोड़ा बस गंदा रोड है और ऊंचाई पे है तो सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, बस इसलिए 18,000 फीट पे स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है थोड़ी थोड़ी. बस यहाँ मैगी और चाय लेके अब निकल रहे हैं. कल भी हुई थी और आज भी हो रही है. बहुत सारे लोग कह रहे हैं जिंदगी का पहला स्नोफॉल है और अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है. बस हाईएस्ट मोटरेबल रोड है तो हम लकी हैं कि स्नोफॉल हो रही है. ये आपको दिख नहीं रही होगी इसमें शायद, लेकिन थोड़ी थोड़ी हो रही है. हरियाणा के भाई, हरियाणा हरियाणा के झज्जर. एक किलोमीटर दूर है बस. अच्छा बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके. चलते हैं आगे. पीछे डॉक्टर अरुण आप देख सकते हैं, वो शिलाजीत चेक करते हुए पत्थरों में. कहते हैं मुझे नॉलेज है, मैं देख सकता हूँ शिलाजीत मिल जाए तो. अरुण क्या कर रहा है? शिलाजीत मिल गया. और वो भी देख लियो यार, वो क्या हीरा मिलता है, क्या मिलता है? पारसमणि भी देख ले. कैसे पता लगता है शिलाजीत? पत्थर में गोंद कहाँ निकलेगा? पत्थर का पसीना होता है वो. पत्थर का पसीना होता है यहाँ पे थोड़ी ना मिलता है, वो तो हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पे मिलता है. डॉक्टर नवीन धनखड़ बता रहे हैं कि वो पत्थर का पसीना होता है. लद्दाख में 5 चीज़ें बताते हैं जो कहीं मुश्किल हैं, मुश्किली मिलती हैं. पहाड़ है, बर्फ़ है, झील है, रिवर है और रेगिस्तान. ये 5 चीज़ें एक साथ कहीं देखने को मिलेंगी. पहुंच गए हैं नुब्रा वैली. रेगिस्तान है यहाँ पहाड़ों में. अंदर का फिर कीजिए आप लोग. पीछे देख सकते हैं आप, पीछे रेगिस्तान है. आगे डिस्किट है 15 किलोमीटर आगे, वहाँ भी रेगिस्तान है. कैमल राइड है. चलो चलते हो, चलना पड़ेगा जब 3 लोग कह रहे हैं. देखिए ये है देखने लायक नज़ारा. हम जा रहे हैं नुब्रा वैली से पेंगोंग और ये दोनों तरफ चोटियाँ हैं और उनके बीच में ये बिल्कुल सीधा रोड है. बीचों बीच बहुत बढ़िया रोड है. हर हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह. पेंगोंग लेक पहुंच गए हैं. 8:15 बज रहे हैं. हम चले थे लगभग 4 बजे तो 4:15 घंटे में पहुंच गए. रोड ऑलमोस्ट ठीक था, मजेदार रोड था वैसे. मजेदार रोड था. यहाँ आकर रूम ले लिया है अभी. ठीक है, काम चला, रूम मिल गया है. 2300 रुपए में 2 रूम मिल गए. अभी तारे निकले हुए हैं, उसका ही नज़ारा है. वो मैं दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और पेंगोंग लेक भी दिखाएंगे सुबह. देखते रहिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और ज़्यादा हेल्प कर सको तो शेयर भी कर दीजिए. गुड नाइट.